फरवरी के महीने में शादियों के तो कई मुहूर्त होते हैं, लेकिन खासकर बसंत पंचमी के दिन का एक अलग ही मुहूर्त होता है। पूर्वी दिल्ली के भी कई पंडित बताते हैं कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा तो होती ही है, लेकिन इस दिन खासकर शादियां भी होती हैं। ये एक ऐसा दिन होता है कि यदि किसी कारण लोगों की शादियों के मुहूर्त नहीं बन पा रहे हों या फिर शादी होने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो रही हो तो बसंत पंचमी के दिन शादी कर सकते हैं। इस बार 13 से 14 फरवरी को कई हजार शादियां होने की संभावना है। 13 फरवरी और 14 फरवरी को तो बहुत ही अधिक साए हैं। ये जो 14 फरवरी है बसंत पंचमी है, और बसंत पंचमी के दिन अनसूज साया माना जाता है, यानी कि आसपास में जिन बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे होते हैं, शादियों की डेट नहीं सूझ रही होती है, वो लोग बिना सुझवाए ही बसंत पंचमी में शादी कर सकते हैं। इसी कारण 13 फरवरी और 14 फरवरी की इस वर्ष बहुत अधिक शादियां हैं, और ये जो बसंत पंचमी के दिन शादी होती है सब सफल होती हैं। इनके जीवन की विघ्न बाधाएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि 10 दोष परिहार होता है। कुंडली जब देखी जाती है दोनों की, तो मंगल दोष विचार किए जाते हैं, गण नाड़ी भकूट वश्य तारा दिन योनि ये सब मिलाकर के जो है ना 36 गुण बनते हैं। तो बसंत पंचमी के दिन जिन बच्चों की शादी होती है 10 दोष परिहार होता है। यदि छोटी मोटी जन्म कुंडली में समस्याएं भी होती हैं तो वो खत्म हो जाती हैं।